हेलो गाइस, वेलकम टू संजय बेरी ब्लॉग्स। दोस्तों आपका स्वागत है। संजय बेरी ब्लॉग भैया है, ये भाभी है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं। तो बताएंगे कि पीने के बाद बताएंगे भाई। तो यहाँ पे पानी हम भी पियेंगे उसके बाद। गाइस हम यहाँ पे, ये हमारे गुरुजन है, लेकिन ये नौलिंग जो नौलिंग देवता का मंदिर है ऊपर देखिए। हेलो गाइस, वेलकम टू संजय बेरी ब्लॉग्स। दोस्तों आपका स्वागत है संजय बेरी ब्लॉग्स में। मैं आज हूँ रीमा, जो पचार वाला जो मंदिर है, नौलिंग देवता का मंदिर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है ये नौलिंग देवता का। तो यहाँ का आपको नज़ारा दिखाएंगे किस प्रकार से है करके, यहाँ पे मंदिर कौन सी मान्यता प्राप्त है करके, और कितने मंदिर है यहाँ पे इसके बारे में दिखाएंगे। और इस ब्लॉग को पहले क्या कहते हैं, पप्पू जो पावन पहाड़ी है पिथौरागढ़ से, उन्होंने भी अपने ब्लॉग में इस वीडियो को सेंड किया था। इसके बारे में, नौलिंग देवता के मंदिर के बारे में, यहाँ के बारे में, लोकेशन के बारे में बताया था। जो पप्पू दादी मीछू पवन पहाड़ी जो था, ठीक है, तो उन्होंने भी इस मंदिर के बारे में, नौलिंग देवता का मंदिर जो पचार में है, इसके बारे में बताया था। आज मैं दिखाऊंगा किस प्रकार से है करके यहाँ के बारे में। और मेरे साथ भैया लोग हैं और भाभी भी है, इनके साथ हम लोग यहाँ पे इंजॉय करेंगे। तो भैया और भाभी लोग भी आए हैं, तो इन लोगों के साथ हम लोग पूरे मंदिर का नज़ारा लेंगे और यहाँ पर देखेंगे, रील्स भी बनाएंगे। और ये भैया है, ये भाभी है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अंदर गेट एंट्री का। तो गाइस एंट्री हो चुकी है हमारी, ये गेट है, ये गेट है गाइस। यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये पचार साइड में पड़ता है, पचार साइड में पड़ता है। चलिए आगे चलिए, चलिए चलो आप भी ले। तो हम लोग निकल चुके हैं, भाभी जी आगे से चल लिए। देखिए गाइस कितना खूबसूरत लग रहा है। बांस के वृक्ष होते हैं, उत्तराखंड किसान है बांस के वृक्ष जो हैं यहाँ पे, इसी की वजह से हरियाली रहती है। और यहाँ ठंडी, ये वाला जो एरियाज है गाइस, यहाँ पे ठंडा इसी की वजह से रहता है। बांस के जो वृक्ष हैं, हर जगह आपको बांस के वृक्ष दिखेंगे यहाँ पे। और ये पत्ते भी हैं, और इसके पत्ते का प्रयोग चारेगाह के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि हरे पत्ते जो होते हैं उसको गाय भैंस को खिलाने के लिए, और जो सूख जाते हैं गाइस उसको, जो गाय भैंस होते हैं उनको सुलाने के लिए इस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है। एक बिस्तर टाइप का गाय भैंसों के लिए बनाया जाता है इसके लिए। तो हम लोग लेके चलते हैं मंदिर की ओर। तो गाइस यहाँ नीचे तो हम लोगों ने एंट्री कर ली। गाइस देखिए यहाँ पे रहने के लिए जो पंडित वो लोग हैं, तो यहाँ पे विश्राम के लिए बनाया है। ये मन्या टाइप का है गाइस, ये देख रहे होंगे आप, मन्या टाइप का है। तो यहाँ पे जब पूजा होती है, जब किसी की पूजा आती है, बकरे चढ़ते हैं, तो यहाँ पे रहने के लिए भी, आपके कुछ जगह पे विश्राम करने के लिए, बारिश या कुछ हो जाती है उसकी सुविधा के लिए, आम का वृक्ष भी मिलेगा। देखिए आम का वृक्ष भी लगे हैं गाइस यहाँ पे। यहाँ से भी रास्ता है और उधर से भी आने का रास्ता है। भैया तो हमारे ऊपर रह गए, तो भाभी और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये मेन गेट यहाँ पे है, यहीं से एंट्री हमारी है। तो आपको व्यूज दिखाएंगे किस प्रकार से है करके। यहीं पे उतार दे, यहाँ पे चप्पल उतार लेते हैं हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जय, ये देखिए गाइस ये मंदिर है, नौलिंग देवता का मंदिर है। तो यहाँ से हम लोग ये इतने लंबे हैं। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर में। देखिए ये छोटे भी मंदिर हैं, यहाँ पे शिव जी के लिए बनाया है। और यहाँ पे देखिए इस टाइप के, तो ये मेन मंदिर है। देखिए गाइस ये हमारा जो नौलिंग देवता का मंदिर है, ऊपर देखिए कृष्ण भगवान अपने रथ में सवार हैं। वो सभी जो भी आते हैं यहाँ पे, एक मन शांत हो जाता है। आप मंदिर में जाते हैं तो सारे सब कुछ जो भी है, आपके दुख दर्द जितने भी हैं भूल जाते हैं, सभी चीज़ें भूल जाते हैं, क्योंकि एक ऐसी जगह पे आने का यही मज़ा है गाइस। देखिए
कितना खूबसूरत लग रहा है गाइस यहाँ पे, तो आप भी आ सकते हैं यहाँ पे। और ये धुनी बनाई है, तो कभी कोई पूजा होती है या कार्यक्रम होते हैं तो यहाँ पे कीर्तन भजन या जागरण टाइप के होते हैं तो यहाँ पे धुनी जलाई जाती है आग से। और ये मंदिर आपको दिखा रहे हैं, जय, ये देखिए गाइस क्या कारीगरी की गई है यहाँ पे। और इसी का एक जो ऊपर भी है, क्या कहते हैं, एक कुआं टाइप का, वहाँ पे भी एक मंदिर है, उसको भी दिखाएंगे। और ये देखिए, तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर में, देखिए। तो आप भी आ सकते हैं यहाँ पे, दर्शन कर सकते हैं नौलिंग देवता के। ऊपर देखिए आप, रथ में सवार श्री कृष्ण भगवान जी। और ये मूल नारायण देवता का मंदिर आपका महोली में पड़ता है, और ये नौलिंग देवता का जो मंदिर है एक यहाँ पे पड़ता है, एक कुलगाड़ा नाम सुना होगा आपने, तो इसी के आगे 5 किलोमीटर आगे है, वहाँ पे भी नौलिंग देवता का मंदिर है। तो ये भाई भाई थे, एक स्थापित यहाँ पे हुए और एक वहाँ पे। तो यहाँ पे जो बाबा है उनसे भी पूछेंगे, जानकारी लेंगे इसके बारे में, उसके बाद अगर वो हमसे बात करेंगे तो चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग भेंट चढ़ाएंगे उसके बाद। ये देखिए गाइस, बैकग्राउंड में इसका ये है। गाइस ये हनुमान जी का मंदिर है और गणेश जी का है। जय बजरंगबली। ये देखिए गाइस, यहाँ पे मनिया टाइप का बनाया है। जब किसी की पूजा आती है तो गाइस यहाँ पे खाने के लिए व्यवस्था सब कुछ बनाई जाती है, उस पर टीन डाले हैं, एक मनिया टाइप का बन जाता है। और नीचे भी यहाँ पे मंदिर हैं। ये देखिए गाइस, ये बैकग्राउंड का है, यहाँ पे मंदिर के जो बैकग्राउंड है उसका है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है गाइस यहाँ पे, देखिए पूरा एक सुकून टाइप का महसूस हो रहा है यहाँ पे गाइस। हमारे उत्तराखंड के देवभूमि तो ऐसे ही कहा जाता है उत्तराखंड को, तो यहाँ क्योंकि देवताओं का निवास रहता है, देवभूमि के नाम से तो पहले से जाना जाता है, यहाँ पे निवास रहे देवभूमि देवताओं का, सारा जितना भी निवास स्थल है उत्तराखंड देवभूमि में। ये देखिए गाइस, आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड, गाइस यहाँ पे भैया और भाभी रील भी बनाने लगे। रील का भी चल रहा है क्योंकि व्यूज यहाँ पे बहुत मस्त है। ये देखिए गाइस कितना खूबसूरत है, ये मिट्टी खोदी गई यहाँ पे, गाढ़ घड़ियाल टाइप का, पानी नहीं है पर यहाँ पे। उत्तराखंड में ये पहचान होती है कि पानी का धारा जो होता है हर जगह आपको उपलब्ध मिलेगा। और ये जो पानी आ रहा है गाइस, देखिए स्रोत का पानी है, इसका कोई वो नहीं होगा, पर हाँ इसका, हाँ पीने वाला है ये पानी, इतना शुद्ध होता है, मतलब इतना मीठा भी होता है, तो आप पियेंगे तो आपके कलेजे को ठंडक पहुँच जाएगी, जैसे अभी भाभी के कलेजे को ठंडक पहुँच रही है। देखिए गाइस बहुत प्यार, बहुत मतलब स्वादिष्ट पानी है। कैसा लगा भाभी को पीने में? बहुत अच्छा। देखिए गाइस ऐसे जंगलों में इस टाइप के पानी मिल जाते हैं तो गाइस दिल शांत बाग बाग हो जाता है। तो यहाँ पे पानी हम भी पियेंगे उसके बाद, तो बताएंगे कि पीने के बाद बताएंगे भाई, बहुत स्वादिष्ट है, मजा आ गया, सॉइलेट है।
जिस स्रोत का पानी होता है ये उत्तराखंड में मतलब जो अपने आप छो फूटता है उसी प्रकार से आता है। थोड़ा राउंड कर लो ऐसे ही, टेढ़ा मत करो। तो गाइस हम लोग जाने के, यहाँ पे मेरे फ्रेंड लोग मिल गए गाइस, ये देखे किस्सू मिल गया है। हेलो हेलो, ये देखिए भाई, भाई आए थे मंदिर में, हम लोग आए थे तो यहाँ पे मिल गए, तो आज इनसे मुलाकात हुई, काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हुई। ये कृष्णा है, ये पठान में रहता है, मेरा पहले बहुत पुराना दोस्त है, और ये लखनऊ में साथ में भी हम लोग थे। तो भाई कुछ बोलना चाहोगे कैसा? आप ये मंदिर देख सकते हैं गाइस, काफ़ी अच्छा मंदिर है यहाँ पर, बहुत यहाँ माना जाना मंदिर, मान्यता बहुत ज़्यादा पुरानी इस मंदिर की। हाँ। बहुत सारे क्या कहते हैं यहाँ पर, अभी तो यहाँ पर मंदिर थोड़ा लोग कम है, बट क्या कहते हैं जहाँ गर्मियों में पूजाएं होती हैं, और मंदिर में मतलब भक्तगण बहुत आते हैं, मतलब एक मून नायर से रिलेटिव मंदिर है, और इसका एक मंदिर ऊपर शिखर है जो यहाँ का मान्य मंदिर है। अगर क्या कहते हैं आप शिखर देखना चाहते हो, बहुत मान्य मंदिर हमारे यहाँ का। हाँ। हम ये कहना चाहेंगे। तो गाइस यहाँ पे नौलिंग देवता का मंदिर, ये भी मान्यता है, और इसी के जो शिखर ऊंचे पहाड़ों पे मून नारायण देवता का मंदिर है, तो वहाँ पे भी मान्यता प्राप्त है। तो आप लोगों से कुछ, यहाँ पे जो कुछ लोग भी थे यहाँ पे, इनसे बाबा लोग भी थे, तो गाइस इन लोगों से भी एक बार अगर बात करते हैं तो बात करते हैं। गाइस हम यहाँ पे, ये हमारे गुरुजन थे यहाँ पे, बाबा लोग थे, तो इन लोगों से हम यहाँ की मान्यता के बारे में पूछेंगे, क्या क्या किस लिए फेमस है करके इनके बारे में यहाँ जानकारी लेंगे। तो कुछ बताना चाहेंगे सर आप? तो भैया यहाँ के बारे में वैसे बहुत अधिक जानकारी तो मुझे भी नहीं है, लेकिन ये नौलिंग मंदिर मूल रूप से माना जाता है यहाँ पर पचार गाँव में जो नौलिंग मंदिर है। जी जी, तो इसको ही मूल माना जाता है। जी जी, यहाँ पर सामने आप अगर नौले की तरफ कैमरा करेंगे, जी जी हाँ, तो ये जो मूल स्थान नौला, हाँ, यहाँ पर माना जाता है, नौलिंग जी का यहाँ पर प्रथम स्नान हुआ था, ऐसा यहाँ की मान्यता है। अच्छा अच्छा, और हाँ। बाकी सभी आस्था का बहुत अच्छा एक स्थल पुराना है ये, हम जो बचपन से हम इसको ऐसे ही देखते आए। जी जी, और नौलिंग मंदिर दूसरा सनगाड़ में भी है, लेकिन मूल रूप से पचार का नौलिंग मंदिर ही अग्रणी सुना जाता है, हम लोगों ने ऐसा सुना है। जी जी, एक नौलिंग देवता का मंदिर वो कुलगाड़ा में, वहाँ पे वहाँ हाँ उधर भी कुलगा कुलगड़े में भी नौलिंग मंदिर है। जी जी, तो इस तरह से जगह जगह होंगे, लेकिन मूल रूप से पचार के जो धोबी नौलिंग माना जाता है यहाँ पर ना, धोबी नौलिंग, हाँ धोबी नौलिंग मंदिर इसको मूल रूप से जाना जाता है नौलिंग मंदिरों में। जी जी, उसके बाद सनगाड़ माना जाता है, सनगाड़ उसके बाद माना जाता है। तो और आप क्या? तो ये गाइस यहाँ पे जो नौलिंग देवता का उत्पत्ति का स्थान था, मतलब स्थान का जो जगह थी वहाँ पे थी, तो उसी के लिए यहाँ पे फेमस है। तो नौलिंग देवता के और भी मंदिर है कुलगाड़ा, इन्होंने बताया और उनके बारे में बता दिया किस प्रकार से फेमस है करके। यहाँ पे आप लोग भी आ सकते हैं गाइस, यहाँ पे मिलिए, दर्शन करिए, यहाँ पे इन लोगों से मुलाकात करिए, और यहाँ के बारे में डेवलप के लिए, विकास के लिए कुछ आगे इस बात को रखे। अच्छा, बच्चे के रूप में नौलिंग देवता के अवतार हुए। तो गाइस ये बता रहे हैं नौलिंग देवता के बच्चे के रूप में वहाँ पे अवतार हुए करके, इसके बारे में मान्यता है करके। तो आप यहाँ पे रहते हैं? 10-12 साल हो गए। अच्छा, 10-12 साल, बहुत साल पहले यहाँ एक मुकुट भी चोरी, कुछ चोरी हुआ था शायद यहाँ से, यहाँ पे मूर्ति मूर्ति ने पागल। जी हाँ, अच्छा, थोड़ा महाभारत के वो भी है इसमें, जब अर्जुन क्या कहते हैं ना, अर्जुन कृष्णा जब उनके सारथी बने थे, तो उसका भी कुछ यहाँ पर वो भी दर्शाया गया है कुछ नौलिंग मंदिर में ना, उसकी भी यहाँ मान्यता मानी जाती है। मतलब काफी अच्छा यहाँ लोग मतलब बहुत अनुभव करते हैं, अगर क्या कहते हैं गर्मियों में यहाँ लोग मतलब बाहर थोड़ा पूजा वूजा करने आते हैं, काफी लोग पूजा करने आते हैं हम, और ये चाहते क्या कहते हैं और लोग भी हमारा नौलिंग मंदिर का दर्शन करें, और हमारे यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, यहाँ मून नारायण मंदिर भी यहाँ क्या कहते हैं शिखर। तो गाइस ये उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से तो जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो भगवान हैं तो उनका निवास स्थल जो है उत्तराखंड को मूल रूप से माना जाता है। तो आप भी आइए, दर्शन कीजिए, यहाँ के देवी देवताओं के दर्शन कीजिए, और आपको एक सुकून टाइप का मिलेगा, यहाँ पे दिल शांत हो जाएगा, दिल जो आपका है। हाँ, कृष्ण का रथ और सारथी बने हैं कृष्ण अर्जुन के रथ में। और नौले के ऊपर जो है वहाँ पर गेट में माता सारंगा जी जी की मूर्ति रखी गई है, जिनकी गोद में नौलिंग जी स्वयं बैठाए गए हैं। जी जी हाँ, और वहीं पर एक लाटू देवता करके उनके साथ में और भी सहायक हैं। अच्छा, माता सारंगा के साथ। अच्छा अच्छा,
अच्छा चलिए, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। धन्यवाद आप लोगों ने इतना सब कुछ बताया। जी 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 हाँ, हम चाहते हैं ना कि जो हमारे उत्तराखंड देवभूमि का नाम से ना जानता है, यहाँ देवों की भूमि है। हम चाहते हैं कि हमारे मंदिर, मतलब वहाँ कूड़ा करकट ना हो, सफाई हो। ये हमारे जाने माने स्थल है, यहाँ के स्वच्छ रहे, आस्था पूर्वक रहे लोग, आस्था मतलब भगवान की आस्था में भरोसा रखे। मतलब क्या कहते हैं, यहाँ पर अर्जुन और क्या कहते हैं, अर्जुन और श्री कृष्णा का रथ साक्षात दिखाया गया है कि महाभारत में जो क्या कहते हैं, अर्जुन श्री कृष्णा उनके सारथी बने थे, उनके साथ उनका ये सब कुछ यहाँ पे दर्शाया गया है। जी जी। आप वहाँ पे मूर्ति अगर देखना चाहते हो वो भी देख सकते हैं। यहाँ बहुत कुछ मतलब क्या कहते हैं, जाने माने चीजें हैं। तो गाइस, यहाँ पे हमारे जो गुरुजन थे वो बता रहे थे कि जो श्री कृष्ण भगवान के जो अवतार पे, मतलब उनके जो बच्चे थे वहाँ पे, यहाँ पे स्नान के लिए देखे, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुएं टाइप का है, तो ये अंदर तो ज्यादा नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि अंदर जाना मना है। तो ये देखे, स्नान के लिए यहाँ पे बनाया गया है और यहीं पे स्नान किया था कृष्ण भगवान के, उनके बच्चे, और यहीं पे इसीलिए स्नानगार के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ की मान्यता के प्राप्ति से हमने जितनी जानकारी हुई आप लोगों को दी। और तो फिर बताइए, इसको काट देता हूँ। ये देखिए, ऊपर एक आपको दिख रही होगी एक महिला बच्चे को दूध पिलाते हुए, और गैस देख रहे होंगे आप, मूर्ति टाइप की भी देख रहे होंगे। तो ये कृष्ण भगवान के लिए फेमस है, तो यहाँ पे स्नानगार है। तो अब देखिए लोकेशन भी कितना मस्त है गैस, देख लीजिए बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे प्राकृतिक अभाव है, यहाँ एकदम प्राकृतिक चीजें यहाँ पर मानी जाती हैं। यहाँ पर काफी भव्य एकदम सुंदर जो दृश्य है, आकार है यहाँ का, हाँ। काफी अच्छी मान्यता यहाँ पर प्राप्त है इस मंदिर की, और लोग क्या कहते हैं भारी रूप से यहाँ पर दर्शन करने आए। कई लोगों को पता नहीं हुआ क्या कहते हैं हमारे उत्तराखंड में क्या क्या नई चीजें हैं। हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में काफी भव्य भव्य चीजें हैं, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, टुंगेश्वर, बहुत मंदिर है यहाँ पर, क्या मिलते बहुत पाए जाते हैं। तो उतने मंदिरों के बारे में तो गाइस मुझे पता भी नहीं, बट क्या कहते हैं जितना मुझे पता है कि कहते हैं उत्तराखंड में काफी भव्य एकदम सुंदर मंदिर माने जाते हैं। तो गाइस, आप जैसे ही मंदिर के दर्शन होते हैं, मंदिर में आप स्थान पे पहुंच जाते हैं, तो आपका जो मन है एकदम शांत हो जाता है। तो गाइस आ सकते हैं। तो गाइस, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आइए यहाँ पे मंदिर देखने के लिए आइए। ये रीमा साइड में पड़ता है, रीमा पचार में, पचार वाले स्थान पे है, तो आइए आप लोग भी आ सकते हैं। तो ये वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, सब्सक्राइब तो आपने कर दिया होगा, और लाइक कर दें। ठीक है, बाय 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 गाइस।